लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओंकार प्रकृति के नियमों को सत्पुरुष सहज समझकर उनका अनुसरण कर लेते हैं, किंतु दुष्ट वृत्ति के प्राणी इन नियमों को भंग करते हैं। ऐसे ही प्राणियों के लिए मैं साक्षात संहार हूं। मैं ओंकार ये नारद भी देखते हैं। मंदराचल का कष्ट निवारण करने के लिए शिव पार्वती प्रकट होते हैं। शिव के आशीर्वाद से मंदराचल अपने कष्टों से मुक्ति पाता है, किंतु उसके शरीर से निकले विषैले धुएं से वातावरण प्रभावित होता है। यद्यपि शिव शंकर उस विषैले धुएं को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, किंतु उसका कुछ प्रभाव देवी पार्वती पर पड़ता है और वे श्याम वर्ण हो जाती हैं। और जैसे ही जल कुंड में अपना प्रतिबिंब देखती हैं, तो दुखी होकर अपने आप से कहती हैं, देवाधिदेव, ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। पधारिये ब्रह्मदेव, मंदराचल में आपका स्वागत है। देवेश्वर, अब स्वागत नहीं, मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि शुंभ निशुंभ को इच्छित वरदान देकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप सत्य कह रहे हैं विश्वेश्वर, और ये सत्य भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। किन असुरों को वरदान देना हमारी विवशता थी। अब आप ही ऐसा कुछ चमत्कार करें विश्वेश्वर, किन असुरों के मन में कभी तपस्या की भावना जागृत ही ना हो। ब्रह्मदेव, आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। जिस शरीर में प्राण है उसमें किसी भी प्रकार की भावना जागृत हो सकती है। उस प्राणी की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। वैसे भी प्रतिकूलता के अभाव में अनुकूलता का ना तो मूल्यांकन है ना महत्व। अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मदेव, दुष्ट शक्तियों का उत्थान हुए बिना दैवी शक्तियों का उत्थान भी नहीं होता। वे उभरती हैं, तभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है। जगत में व्याप्त समय की गति के अनुसार देवों दानवों और मानवों में संघर्ष अवश्यंभावी है। ब्रह्मदेव, अब तक आपने यहां आने का उद्देश्य प्रकट नहीं किया। महेश्वर, मैंने शुंभ निशुंभ को विवशतावश वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मैंने उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का उपाय भी निश्चित कर लिया था। तो अब मेरा कार्य आप करने लगे हैं। आप तो सृष्टि के निर्माण करता है। अपना कार्य तो आपको ही करना होगा देवेश्वर, मैंने तो आपके कार्य को तनिक सरल कर दिया है। यही स्पष्ट करने तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आपका अभिप्राय है कि शुंभ निशुंभ की गति का उपाय आपने कर लिया है? हाँ महेश्वर, मंदराचल पर आने का उद्देश्य आपने देवी पार्वती का वर्ण बदलकर पूर्ण कर लिया है। अब शुंभ निशुंभ के अंत के लिए आपको उन्हें तपस्या करने को प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के लिए हमें दोषी समझती है, इसलिए हमसे रूठ बैठी है। ऐसे में उन्हें तपस्या के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अब तो यह कार्य और भी अधिक सरल हो गया है। आप अब यह कार्य कैसे करेंगे इसका निर्णय तो केवल आपको ही करना है। मैंने तो केवल आपको स्थिति से परिचित कराया है, अब आप मुझे आज्ञा दें। देवी पार्वती, देवी शिवा, इस प्रकार कब तक हमसे रूठी रहोगी? और रूठ कर तुमको मिलेगा क्या? स्वामी, मुझे मनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ कब हुआ है? हुआ है कभी? वो कभी होगा भी नहीं। तुम केवल इतना बताओ
कि तुम्हारा रोष कब और कैसे शांत होगा। मेरा रोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मुझे पहले के समान गौर वर्णीय नहीं बना देते। यह असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं, अपने आराधक शुक्राचार्य को हजारों मृतक असुरों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर सकते हैं, और मेरा अपनी पत्नी का ये साधारण कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये केवल तुम्हारे प्रयत्न से ही सफल होगा, हमारी शक्ति अथवा कृपा से नहीं। आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, यह क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं? क्यों क्यों करूं मैं, कैसे करूं? आप मेरे स्वामी हैं, मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हट करना जानती हो तो हम भी हट योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति। गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो, एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो, फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ, और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहाँ तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे। क्या उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी है, उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है, इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। माँ भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। हाँ नंदी महाराज, हम अनिश्चित काल तक शिव पार्वती के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब वे दोनों मंदराचल में बस गए हैं तो हमें वहाँ जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। वहाँ चलकर उन्हें यहाँ आने के लिए मनाना चाहिए। मैं आप दोनों की प्रेरणा समझ रहा हूँ, किंतु भगवान भोलेनाथ की आज्ञा बिना मैं कैलाश छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नारायण नारायण। कल्याण भव, मैं भी यही सोचकर यहाँ आया था कि अब तक तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आ गए होंगे, किंतु अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें मंदराचल कैलाश से भी अधिक प्रिय लगने लगा है। नारायण नारायण। स्थिति यदि ऐसी है तो वहां जाकर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन होंगे। हाँ देवर्षि, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अर्थात जया और मैं। मेरे साथ? नारायण नारायण। देवियों, आपका और मेरा साथ कैसे निभ पाएगा? क्यों, साथ निभने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? कष्ट? देवियों, मैं आकाश गामी और आप पृथ्वी गामिनी, क्या आप पैदल चलकर मंदराचल पहुंच पाएंगी? तो फिर हम क्या करें देवर्षि? यही कि मंदराचल जाने का विचार त्याग कर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यहीं पर प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपको शीघ्र दर्शन दें। नारायण नारायण।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। स्वाभिमान आहत होने के पश्चात अब मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकती। आंखें बंद किए हुए भी आप मेरे मन की व्यथा अवश्य समझ रहे होंगे, इसलिए यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चली जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। नारायण नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बहुत समय से आपके और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए थे और मुझसे रहा नहीं गया, सो चलाया आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। इस समय तो हम यहाँ पर मात्र अकेले हैं नारद। देवी पार्वती तो हमसे आज्ञा लिए बिना ही अभी अभी यहाँ से अदृश्य हो गई। माता पार्वती आपकी आज्ञा लिए बिना यहाँ से चली गई? भोलेनाथ यह असंभव, कैसे संभव हुआ? आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं होता। जो प्राणी के वश सामर्थ्य ज्ञान और अनुभव से परे होता है उसे वह असंभव मान लेता है। यहां तो वही हुआ है जो होना था। भोलेनाथ वो गई कहां है? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य होगा ही। इस विषय में हमसे कोई प्रश्न न करना नारद। भोलेनाथ नारद यदि प्रश्न ना करें तो जगत के प्राणियों को उत्तर कौन देगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ भले ही आपने आंखें बंद कर ली हो किंतु जो घटित होने वाला है वो टल तो नहीं सकता। नारायण नारायण। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आज देवताओं के राजा इंद्र को हम पराजित करके ही रहेंगे। आज तक केवल देवता ही स्वर्ग की सुख संपदा का उपभोग करते आए हैं और असुर उससे वंचित रहे हैं। असुरों को भी हम स्वर्ग की सुख संपदा प्राप्त कराएंगे। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। आक्रमण। इंद्रदेव
स्वर्ग के सिंहासन का अधिकार शक्तिवान का होता है। हम दोनों शक्तिशाली हैं और हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि हम अमर हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। शुभ निशुभ, लगता है आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर कर देता हूँ। देवताओं का राजा भाग गया, दुर्बल कहीं का। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की, महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की। हम स्वर्ग विजेता है। स्वर्ग की सब सुख संपदा अब हमारे अधीन है। देखते जाती जो स्वर्ग के सुख से वंचित थी अब स्वर्ग निवासी होगी। देवता हमारे सेवक होंगे, देवता हमारे चरण छुएंगे।